सो गाइस, मेरा फाइनल लुक है ये। आज मैंने वेयर किया है सूट, और ये मैंने मीशो से ही ऑनलाइन मंगाया था। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं आपकी पूजा आई हूँ आज एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने। तो आज मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग मॉर्निंग से करने जा रही हूँ। अभी आप देख रहे होंगे मैं रेडी हुई हूँ, एक्चुअली ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ। तो ऑफिस चलते हैं अभी, बाकी फिर ऑफिस से आने के बाद दिखाते हैं आपको। चलो पहले तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, मौसम से ही स्टार्ट करते हैं आज। आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बाहर बारिश भी हो रही है, तो चलो चलते हैं। तैयार हो गए तुम? ठीक है, चलो। अपना बैग ले लिया है मैंने, अब निकलते हैं ऑफिस को। ओफो, मैं तो जैसे रेडी होके बाहर को निकली, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कैसे जाऊँ? अब दिखाती हूँ आपको कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये आज तो हल्द्वानी का मौसम इतना ख़राब हो रखा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। देखो नीचे पूरा भीग गया है। अब अभी कैसे जाएं, कैसे निकले, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। थोड़ी हल्की हो जाती है तो फिर निकलते हैं। ये देखो हमारे आगे से कितना पानी पानी हो गया है, यहाँ पे पानी आ गया है सारा आगे से। ये मेरी फ्रेंड आ गई है नीचे, इसे कुछ सामान देना था, तब आइए। इधर से आ जा, आ रही हूँ मैं। मैंने इसको बुलाया था कुछ सामान देना था, लेकिन जैसे मैंने बाहर निकल के देखा था इतनी बारिश हो गई, तो इस वजह से मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाई, तो इसे घर तक ही आना पड़ा। ये ले लिया इसने सामान। हेलो मोनिका, ये मैंने उसे दे दिया है सामान। अब हम लोग तो वेट कर रहे हैं, बारिश रुकेगी तभी हम निकलेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। स्कूटी से जाना है, भीग जाएंगे हम लोग। रुकेगी आज बारिश है? पता नहीं, नहीं रुकती अभी, पूरे दिन भर की बारिश। कोई आसान नहीं लग रहे हैं अभी तो रुकने के। गाइस थक गई, बाहर से ही वेट कर रही हूँ, अंदर जाऊँगी फिर बाहर आऊँगी। इससे बेटर है कि यहीं पर बैठ के हम वेट करते हैं, बारिश थोड़ा रुक जाएगी तो फिर निकलते हैं। अब बारिश तो रुकने से रही, रेनकोट पहन के ही निकलना पड़ेगा, तो रेनकोट पहन के निकलते हैं। रेनकोट भी तुम्हारे तरह ही है, छोटा छोटा सा। तो मेरी फिटिंग का है तो मेरी तरह तो होगा। चेन लगा लेना अच्छे से उसको, ठीक है? फाइनली रेडी हो गए वापस जाने के। चलो अब रेनकोट पहन के ही जाना पड़ेगा। आओ जल्दी आओ। ये इन्होंने भी रेनकोट पहन लिया है, ये मेरा वाला रेनकोट पहन लिया इन्होंने, डोरेमोन वाला। चलो निकलते हैं हम। सो गाइस, अब रेनकोट ही पहन के निकलना पड़ रहा है, तो अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ ऑफिस से, निकलने लग गए हम लोग घर के लिए। रास्ते में है अभी, देखो सुबह मौसम ऐसा हो रहा था, इतनी बारिश हो रही थी, अभी देखो कितना साफ़ हो गया, पूरा क्लीन हो गया एकदम। धूप भी आ गई है, आजकल राखी आने लगी है जगह जगह पे, कि रक्षाबंधन बस आने ही वाला है। अब ये जागनाथ अंकल जी के वहाँ पे रोक दीजिएगा, हमें यहाँ से कुछ सामान लेना है, तो हम यहाँ चलते हैं। है भी कुछ नहीं है यहाँ सामान, देखो तो। ये अंदर चले गए हैं हम, एक्चुअली ये स्टोर बंद हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे सारा सामान अभी हट गया है, कुछ ही कुछ सामान बचा है। फेस वॉश लेना था मुझे, मेरा फेस वॉश ढूंढ दो अगर कहीं पे दिख रहा है तो तुम्हें। और जो भी सामान यहाँ पे मिल रहा है वो रेट टू रेट मिल रहा है, फ़ायदा है भैया, डिस्काउंट में मिल रहा है, ले लो फिर मेरा वो फेस वॉश ढूंढ दो प्लीज़। ये चीज़ तो नहीं मिलेगी, ये तो सब पहले ही ले गए होंगे। वही तो, सब अपना अपना ले गए होंगे, थोड़ा बहुत ही रह गया है बस, क्योंकि इन्होंने ये सारा इस साइड को भी पूरा पेंट का ही डाल दिया है ना, तो इसलिए अभी ये बंद होने वाला है बस कुछ दिन बाद। कॉस्मेटिक वगैरह का जो भी यहाँ पे सामान मिलता था वो सब कुछ हट गया है यहाँ से, अब जो बचा कुचा है वही बचा है बस। भैया के वहाँ से सामान लेके तो आ गए, ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिला, बस दो तीन आइटम मिला मुझे, तो वो मैं लेकर आ गई हूँ। सो गाइस, घर तो हम आ गए थे, फिर उसके बाद हमें एक पार्टी में जाना था। एक्चुअली आज हमारे जानने वाले कोई अंकल आंटी जी की एनिवर्सरी है, 50वीं सालगिरह, तो हमें रॉयल बैंक्वेट हॉल जाना है। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको, मिलवाऊंगी उनसे। और आज एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए भी है, मैं आपको बताना भूल गई थी सुबह, आज हमारी शादी को 8 मंथ कम्प्लीट हो गए हैं, तो आज हमारी भी 8 मंथ एनिवर्सरी है, डबल सेलिब्रेशन हो गया। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, फाइनल लुक आपको सूट में मेरा हस्बैंड जी दिखाएंगे। हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं, हो गए रेडी? हाय।
गाइस मेरा फाइनल लुक है ये। आज मैंने वेयर किया है सूट और ये मैंने मीशो से ही ऑनलाइन मंगाया था। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो आप भी मंगा सकते हैं। देखो कितना प्यारा सूट है, इसका दुपट्टा जो है ना बहुत प्यारा है, अच्छा लग रहा है। हाँ तो ये देख सकते हैं आप मेरा फाइनल लुक। तो चलो चलते हैं, चलो फिर निकलते हैं। चल ले, काला पता नहीं अंदर ही रखा होगा, मम्मी ने देखा। बैंक्वेट हॉल, ये गेट है, यहीं से अंदर एंट्री करेंगे हम। ये रही पार्किंग, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो रहा रास्ता। ये फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, आगे को चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको रॉयल बैंक्वेट हॉल। ये गेट तो उस साइड से है बट हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ से हम गए नहीं। वो रहा गेट इसका एंट्री का, और ये मामी लोग मम्मी लोग हैं। वहाँ पे सजा है एनिवर्सरी के लिए, बहुत सारे लोग आए हैं। ये सालूदी आ गई हैं। हेलो बेबी, अरे ये तो मेरे को छोड़ के आ गई ना। और ये मौसी मामी, हमें लेट हो गई आने में थोड़ा, तो यहाँ पे खाना पीना स्टार्ट हो गया है और वहाँ पे सजा हुआ है अंदर बैंक्वेट हॉल पे। हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया था ना क्योंकि मम्मी जी लोग पहले आ गए थे बट हम अभी आए हैं, तो इसीलिए। अंकल आंटी से मिलने के लिए जा रहे हैं जिनकी एनिवर्सरी है, मिलवाती हूँ आपको उनसे मैं अभी। ये आप डेकोरेशन देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने डेकोरेशन। रेडी होके आ गई थी पहले ही। आराध्या घूम, कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये परी है, ये इतनी चटपटी है, चटपटी परी। आज मेकअप नहीं करके लाई तू?
मेकअप नहीं करा? मेकअप का शौक ही नहीं है, बाल कटवा लिए मैंने। ओह माय गॉड, स्कूल जाने लग गए अब तो? मैं तो ऐसी की तरह भली हूं। क्या हूं? ये आ गई मॉडल, छोटी मॉडल। ओह माय गॉड, मैं कैसी लग रही हूं बता दो परी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लग रही हूं आप तो, एकदम चांद की तरह लग रही हो। ओहो, मैं वीडियो बना रही रहती हूं, इनके पास पैसा ही आ रहा था और कुछ तो आता नहीं है। अच्छा गाइस, ये जो परी है ना, परी ये इतनी ज्यादा शैतान है ना, इतनी ज्यादा शैतान है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा शैतान है। सो गाइस, हो गया है सेलिब्रेशन वगैरह, अब हम यहाँ से बस सीधा घर को निकलेंगे, बहुत थकान हो गई है, तो घर जाके मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइस, फाइनली मैं घर पे पहुँच गई हूँ और इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पैन करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।